नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज बात करेंगे एग्जिट पोल के बारे में। तो जानते हैं एग्जिट पोल में किसकी सरकार बन रही है। बिहार में 3 चरण के मतदान समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में एजेंसियों के द्वारा एग्जिट पोल जारी कर दिया गया है। जारी एग्जिट पोल के अनुसार कई एग्जिट पोल में महागठबंधन को जीत की तरफ दिखा रहे हैं, तो कई के बीच में कांटे की टक्कर की बात कही जा रही है। लेकिन कई ऐसे भी एग्जिट पोल हैं जो एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित अधिकतर एग्जिट पोल में आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने के अनुमान लगाए गए हैं। वहीं नीतीश कुमार की जदयू तथा बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को इस एग्जिट पोल में हार दिखाई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में एक एग्जिट पोल ऐसा भी है जिसमें नीतीश कुमार की सरकार फिर से बन रही है, और ये एग्जिट पोल है दैनिक भास्कर की। दैनिक भास्कर द्वारा जारी किए गए एग्जिट पोल में चिराग पासवान को भी ठीक ठाक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दैनिक भास्कर की इस एग्जिट पोल में बिहार में 120 से 127 सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि इस पोल में कहा गया है कि राज्य में 30 सीटें ऐसी हैं जिसके नतीजे नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ सकते हैं। इन 30 सीटों पर सबसे कड़ा मुकाबला है। पोल के अनुसार बीजेपी इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और जदयू के मुकाबले आरजेडी को फायदा मिलेगा। बिहार में कुल 243 सीटें हैं और भास्कर के इस एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 120 से 127 सीटें मिलने के आसार हैं, जिसमें बीजेपी को 63 से 55 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। वहीं जदयू को 58 से 63 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। जीताराम मांझी की पार्टी हम को 2 से 3 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को 2 से 3 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। इससे साफ है कि एनडीए बहुमत का आंकड़ा तो पार कर सकती है। ऐसे में छोटे दलों की भूमिका अहम हो जाएगी। भास्कर ने अपने एग्जिट पोल में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 12 से 23 सीटें मिलने की बात कह रही है। भास्कर के इस एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव को यानी कि आरजेडी को मात्र 52 से 60 सीटें मिलने की बात कही जा रही है, जो कि पिछले अन्य चुनावों से बहुत कम है। वहीं कांग्रेस को 19 से 21 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही अन्य के खाते में 19 से 27 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। इस एग्जिट पोल की माने तो पहले फेज में कम वोटिंग प्रतिशत के कारण एनडीए की स्थिति सही नहीं रही, लेकिन दूसरे और आखिरी चरण के मतदान ने महागठबंधन के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में महागठबंधन क्लीन स्वीप करता दिखाई दे रहा है। इस पोल में राजद महागठबंधन को 139 से 161 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं एनडीए महागठबंधन को 69 से 91 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। CNN न्यूज 80 और टुडे चाणक्य ने महागठबंधन को बम्पर 180 सीटें दी है, जबकि एनडीए को मात्र 55 सीटें ही दी गई है। वहीं लोजपा को 0 तो अन्य को 8 सीटें दी गई है। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के अनुसार बिहार में किसी पार्टी का बहुमत बनता दिखाई नहीं दे रहा है। टाइम्स नाउ के अनुसार एनडीए को 116 सीटें, महागठबंधन को 120 सीटें, एलजेपी को 1 सीट और अन्य के खातिर में 6 सीटें जाती दिख रही है। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 37.70% वोट मिलता दिख रहा है, तो वहीं महागठबंधन को 36.30% वोट मिलता दिख रहा है। एलजेपी को 8.50 और अन्य के खाते में 17.50% वोट मिलता दिख रहा है। तो दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल की माने तो नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो सकते हैं। ऐसे ही ताजा तरीन वीडियो के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। धन्यवाद।